गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास फोर साइंस। ये आपका सेकंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है एडाप्टेशन इन प्लांट्स, पौधों में अनुकूलन। हमने आपको पिछली वीडियो में बहुत से टॉपिक को कवर किया है। आज का टॉपिक है कोनिफेरस ट्री, शंकुधारी पौधे। ट्री दैट ग्रो ऑन कोल्ड एंड हाईली हिली एरियाज आर कॉल्ड लॉन्ग पॉइंटेड नीडल्स आर स्मॉल फैक्ट स्केल्स। वह पौधे जो ठंडे एरिया में और पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाले होते हैं, उनको हम सुई निडल में सुई स्मॉल फैक्ट स्केल्स या हम उसे छोटा तराजू कहते हैं। दे हैव निडल लाइक लीव्स, उनके पास सुई की तरह पत्ते होते हैं। एंड स्ट्रेट सीधे और टाल ट्रंक्स, उनके पास नुकीले पत्ते सीधे और लंबे चढ़ी की तरह जो होते हैं पत्ते होते हैं। नीडल्स लाइक लीव्स आर कॉल्ड स्पाइंस, जो पौधे निडल की जो पत्तियां निडल की तरह सुई की तरह होती हैं उसे हम पाइंस कहते हैं। एग्जाम्पल आर सच ट्री जैसे पाइन, फिर सप्रूस एंड सीडर या देवदार। ठीक है, देवदार हिंदी नाम है, सीडर सीड्रस होता है, सीडर लिखा है इसमें। देयर कॉनिकल एंड स्लंटिंग शेप मेक स्नो स्लाइड ऑफ इजली। इन पौधों के अंदर इस प्रकार का कुछ शेप बना होता है, ऐसे ढक्कन टाइप का शेप बना होता है जो बर्फ़ को अपने पत्तों के अंदर आसानी से, इजली मीन्स आसानी, स्लाइड मीन्स अंदर, स्नो स्लाइड मीन्स बर्फ़ के स्लाइड को अपने पत्तों के अंदर बंद करके रख लेते हैं। सो इसलिए दे डू नॉट सेट दियर लीव्स इन विंटर, इसलिए वे सर्दियों में अपने पत्तों को नहीं छोड़ते हैं, नहीं गिराते हैं। दिस ट्री डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, यह पौधे फूल को नहीं बनाते हैं, फूल उत्पन्न नहीं करते हैं। वाइल दे प्रोड्यूस कॉन्स, जबकि वे शंख बनाते हैं। विच बियर सीड्स इनसाइड देम, जिनके अंदर बीज होता है। सो दे आर इमरजेंट ट्री, इसीलिए इसे सदाबहार वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, अब अगला हेडिंग है, आप उसे देखिए। मर्सी प्लांट, अ सेमी एक्वाटिक प्लांट दैट ग्रो इन सॉफ्ट वेट लैंड, मोस्ट आर मोनोकॉट, सेज, स्फैग्नम, ग्रास, कैटल्स कैटिल्स इटीसी। सेमी एक्वाटिक प्लांट जो होते हैं वे गीली, सॉफ्ट वीट मीन्स गीली, सॉफ्ट वीट लैंड मीन्स गीली जमीन पर उगते हैं। जैसे मोनोकॉट, वे एक बीजपत्री होते हैं। सेज स्फैग्नम, जैसे सेज हो गया, स्फैग्नम हो गया, ग्रास घास हो गया, कैटल्स हो गया ETC, ये सब मर्सी प्लांट के उदाहरण हैं। नियर द सी हॉर्स में समुद्र का किनारा, वेयर द रिवर्स इंपटी इनटू सी, जहाँ पर नदियाँ समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, उस स्थान पर लाई मर्सी एरियाज, वहाँ पर दलदली एरिया होता है लाइक, जहाँ और उसी दलदली एरिया में एक डेल्टा बना हुआ, उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा इन वेस्ट बंगाल, यह पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है, उसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। वह बहुत ही दलदली एरिया है। द सॉइल ऑफ मर्सी एरियाज इज स्टाइकी एंड क्ले, ठीक है, जो दलदली एरिया होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टाइकी होते हैं। द प्लांट्स दैट ग्रो इन मर्सी, ऐसे पौधे जो दलदली एरियाज में उगते हैं, कॉल्ड मैंग्रोव, से मैंग्रोव कहा जाता है, मैंग्रोव्स मीन्स मैंग्रोव कहा जाता है। दीज प्लांट आर एडॉप्टेड टू लाइव इन सॉइल, यह पौधे अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, कहाँ, दलदली एरियाओं में उगने के लिए। सॉइल दैट सॉक्ड इन वाटर, जो जलीय स्थानों पर भी उगते हैं। अब आगे की वीडियो हम बताए, आगे बने रहिए हमारे साथ, हम बताते हैं आपको अगला हेडिंग। दीज प्लांट हैव रूट्स दैट ग्रो अबव द सॉइल, ऐसे पौधे जो सॉइल के ऊपर उगते हैं। सिंस द सॉइल फुल ऑफ वाटर, और इसलिए देखिए, दीज प्लांट हैव रूट दैट ग्रो अबव द सॉइल, जो पौधे जमीन के ऊपर इस स्थान दलदली एरिया पर उगते हैं। सिंस द सॉइल इज फुल वाटर, और उस जमीन के अंदर, उस मिट्टी के अंदर वाटर भरा हुआ होता है। द रूट डू नॉट गेट टू ब्री एयर ब्रीथ, और इसीलिए जड़ जो होते हैं, जड़ों में पानी, सॉइल होता है, सॉइल में पानी भरा हुआ होता है, क्योंकि वह दलदल होता है, इसलिए दे डू नॉट गेट ए ब्रीथ, इसलिए वे जो होते हैं सांस नहीं ले पाते हैं। रूट
सैंड स्पेशल पार्ट ऑफ सॉइल सरफेस ब्रीथ, रूट जो होता है एक स्पेशल पार्ट सेंड करता है ब्रीथ करने के लिए, जिसे हम निमेटोफोर के नाम से जानते हैं, कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स या ब्रीथिंग रूट के नाम से जानते हैं या एरियल के नाम से जानते हैं। कैंडिला, कार्लूप्स एंड वेनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट, इसके ये उदाहरण है। तो प्लांट ऑफ हॉट एंड डम्प एरियाज को हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड दैट्स ऑल माय स्टूडेंट्स।